मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मैं हूं आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, मैं पुनः प्रस्तुत हूं 10 नए प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी केबीसी की तैयारी में सहायता करेंगे। जैसे कि अभी पिछले महीने केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन पूर्ण हो के चुके हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में FFF यानी कि फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए केबीसी से कॉल आनी प्रारंभ हो जाएगी, जो भी सिलेक्ट होंगे। और सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया ये था कि पहले रिटन टेस्ट होना था, जो कि 20 अंकों का था। उसके बाद 20 में से जिनके कम से कम 11 से 12 नंबर आए हैं, उनको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद जो है उनका PI हुआ, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो कि बम्बई जाती है, फिर वहाँ पर वो चेक करते हैं। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे जो जो खड़े उतरेंगे उनके पास ही कॉल आएंगे। तो जो जो सिलेक्ट हो गए दोनों में, इसके साथ ही जो मोबाइल पे KBC प्ले अलोंग में खेलते हैं उनके लिए, साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इससे सहायता प्राप्त होगी। उससे पहले आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे कि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो उचित समय पर प्राप्त होती रहें। मैं KBC और जनरल नॉलेज के लिए और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं पहले की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में टाटा IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? टाटा IPL 2022 हाल ही की बात है ये, तो ये खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है मित्रों, गुजरात टाइटंस। दूसरे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस पंजाबी गायक की हत्या हो गई है? किस पंजाबी गायक की हत्या हो गई है? तो ये हैं हमारे पंजाब के सिद्धार्थ मूसेवाला। इनके बारे में ये था कि इनको पर्सनल गैंगस्टर जो होते हैं, उन पर्सनल राइवलरी की वजह से पुराने कोई दुश्मनी रही होगी, तो 3 तरफ से घेर के इन पे फायर किया गया, जिसमें इनको बताया 24 से 30 राउंड इन पे फायर किया गया, जिससे इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं लवलीना बोरगोहेन जी, जो कि अभी ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी अवार्ड जीत के आई हैं, और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, हमारी अपनी लवलीना बोरगोहेन जी। चौथे प्रश्न की बात करें मित्रों, तो हाल ही में सरकार ने BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? हाल ही में सरकार ने BPCL में कितने फीसदी यानी कि कितने परसेंट हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है मित्रों, 53%। चौथे प्रश्न की बात ये, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो हाल ही में हुए ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में अपना भारत कौन से स्थान पर रहा है मित्रों? तो बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ, प्रथम स्थान पर रहा है। छठे प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है अभी हाल ही में? तो इसका उत्तर है मित्रों, केरल। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, तो हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है हाल ही में? तो इसका उत्तर है मित्रों, नई दिल्ली। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, तो हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है हाल ही में? तो इसका उत्तर है मित्रों, पश्चिम बंगाल, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो आप जानते ही होंगे, ममता बनर्जी हैं।
हाल ही में, नौवां प्रश्न, हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है? तो इसका उत्तर है मित्रों, जैक डोर्सी। जैक डोर्सी। अंतिम प्रश्न आज का, दसवां, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? तो इसका उत्तर है मित्रों, बांग्लादेश। तो ये थी बात दोस्तों आज के 10 नए प्रश्नों की, जो कि करंट वर्ल्ड अफेयर्स हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया करके लाइक करिएगा, और इसे अधिक से अधिक अपने अपनों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, 10 नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्ते।